रहा है कि कोनो गलती करो तो घड़ी देख के करो। अब समय से आ जाती तो दुकानिया पे कम से कम ही मिठाई को तो बेच देते। अब देखो ये देखो, अब तो एक शकल भी बिगड़ गई। ये देखो नहीं बुआ जी, खुशी ने वहां पर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। माना कि उन्हीं के रसोई में गुस्से में ढेर सारी जलेबियां बनाई, पर पता है आपको इसकी जलेबियों की खूब सारी तारीफ हुई वहां पे। क्या करे, सुवर्ण पदक दे दे हैं? हर नंद किशोर तोहरी सनक का कोनो अंत नहीं है। सनका देवी हिया भी मिठाई बनाई, हुआ भी मिठाई बनाई, हिया भी पैसा खर्चा, हुआ भी पैसा खर्चा, और कॉन्ट्रैक्ट का पैसा गया गड्ढे में। कौ करे तोहरा हम। अब तो एक ही काम हुई सकत है। क्या बुआ जी? वो कॉन्ट्रैक्टर को फुनवा लगाओ और उसे कहो, विनती करो कि मिठाइयों का मुनाफा ना सही, कम से कम खर्चा ही दे दे। एक तरफ खुशी है, इतनी समझदार, इतनी संभली हुई, हर शब्द मापा हुआ, हर कदम सोचा हुआ, और दूसरी तरफ वो मिस कसम, अगर 1% भी वो कुसी की तरह होती ना तो। नानी जी, नानी जी, आज शाम के लिए I'm really very sorry. लावण्य, कोई बात नहीं। हाँ हाँ लावण्य, अब बच्चे ना ही मिस्टेक ही आएंगे तो और का। नानी, इनसे गलती हो गई है, लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास है और माफी भी तो मांग रही है ना। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि एक भी पैसा नहीं मिलेगा, बहुत गुस्से में था। ये सब तोहरे सनक की वजह से हुआ है नंद किशोर। ऐसा लगता है जैसे कौनो दलदल में फंसते जा रहे हैं, जितना हाथ मारो उतना अंदर। का करे। हेलो जी, हम बोल रहे हैं। आप? खुशी जी, हमें बहुत बुरा लगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर। जी, पर आपको कैसे पता? वो क्या बात कर रही हैं खुशी जी, आपकी आवाज सुनकर हम इतना भी नहीं पहचानेंगे। बताइए भी, बात क्या हुई? अब बताने को कुछ बचा ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, और ऊपर से हमने बुआ जी के कंगन गिरवी रखे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए खुशी जी, हमें पूरा भरोसा है सब ठीक होगा। हम कल आ रहे हैं वहां, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तक आप 2-4 जलेबियां खाकर अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस ले आइए। और हाँ, अगर बुआ जी डांटे ना तो सुन लीजिएगा, वो कल हम उनको भी समझा देंगे। अच्छा, अब रखते हैं।
का फोन था? श्याम जी कह रहे थे कि वो कल आएंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इनसे गलती हो गई है और माफी भी तो मांग रही है ना। बिल्कुल सही कहा रानी साहिबा। है ना नानी जी, गलती करना गलत बात है पर गलती मानने से बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और नानी जी, माफी मांगने से ज्यादा बड़ा होता है माफी देना। बहुत देर हो चुकी है, अगर आप लोगों की कृपा हो तो हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। वैसन सासू माँ, अगर मॉर्निंग का भूला इवनिंग में वापस आ जाए तो कब फरगेट या ना ही कहते। गुड नाइट। और फिर पता है देवी मैया, हमें कुछ समझ में नहीं आया और फिर गुस्से में आकर हमने जलेबी बनाना शुरू कर दिया। एक आप ही तो है ना देवी मैया जो हमारे इस हंसी के पीछे की परेशानी समझ सकती है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। प्लीज देवी मैया, रातों रात उस कॉन्ट्रैक्टर का इरादा सिर्फ आप ही बदल सकती है। ऐसे कल श्याम जी भी आ रहे हैं पर आपसे ऊपर कोई भी नहीं, और अगर आपने हमारे लिए ये काम किया ना तो आज जो भी बची मिठाइयां है ना कल आपके लिए भोग में चढ़ा देंगे। मजाक कर रहे, आप भी जानती है कि खुशी कुमारी गुप्ता ने देवी मैया के लिए कभी भी बासी प्रसाद नहीं चढ़ा और ना ही कभी चढ़ाएगी। खुशी, तुम्हारी पायल का है? यहाँ, अब तुम बताओ खुशी कहाँ है? हम कोई खेल नहीं खेल रहे, सच में तुम्हारी एक पायल नहीं है। कहीं छूट गई थी क्या? खुशी, कुछ याद आया? अब पैर में नहीं है तो छूट गई होगी ना, और याद होता तो हम लेना आते। गिर क्या होगा? Rabba ve